पर मैं और भाई आगे आपको बताएंगे कहाँ जाना है। गाड़ी फुल हो चुकी है। कहाँ रहेगा जी? एक विनोद जी है जो थोड़ी करके हैं सुनेगी। वृंदावन, फिर आपको आगे का रास्ता बताएंगे। तो अभी मेरे साथ जा रहे हैं मेरे कुछ क्लीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, और मैं आपको उन सबकी सभी के साथ मिलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और हम आज निकले मान रहे हैं अपना 11 बजे के करीब निकलेंगे, ताकि हम 5 या 6 बजे तक सुबह वृंदावन पहुँच जाएँ, क्योंकि 7 बजे मंदिर ओपन होता है और 7 बजे हम दर्शन करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। और आपको बहुत ही अच्छी जगह दिखाने वाले हैं आज, जो मैंने भी आज तक नहीं देखी और शायद आपने भी ना देखी हो। तो हम मिलते हैं रास्ते में और अपने फ्रेंड्स को भी हम मिलाते हैं। तो हम एक ही गाड़ी लेके जा रहे हैं आज, दूसरी गाड़ी थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो अभी हम एक ही गाड़ी लेके निकलेंगे। और दूसरी गाड़ी वाले जो हमारे साथ फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो हमें फ्राइडे को, आज है अपना वेडनेसडे, तो वो हमें फ्राइडे को मिलेंगे और वो भी आपको रास्ते में बताएंगे। तो अभी हम मम्मी डैडी को बाय बाय बोल के, बाय डैडी, मिलते हैं 4 दिन बाद, और मैं और राय साहब निकल रहे हैं 2 और बंदों को लेने के लिए। और ये देखिए हमने जो बनवाया है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये अभी आपको आधा ही रास्ता है, आगे आपको बताएंगे कहाँ जाना है। टोटल 4200 किलोमीटर्स है जहाँ जाना है हमें। तो लो जी, अभी हमारे साथ आ चुके हैं अपने विनोद जी। विनोद जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, हमें। और ये बलजिंदर जी आए हैं। तो बलजिंदर जी, कैसा लग रहा है आपको रात को 11:30 बजे जाते हुए? और इंद्रजीत पाजी को लेने आए हैं, और रात को हम निकल रहे हैं। तो अभी गाड़ी रेडी है, सामान रेडी है, गाड़ी फुल हो चुकी है। कहाँ रह गए इंद्र जी? बाय। लो जी, इंद्रजीत जी आ गए हैं अपने। कैसे हैं इंद्र जी? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया। लो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अम्बाला, और ये हमारे एक विनोद जी हैं जो घोड़ी चढ़ गए हैं सफरे की। वो बिल्कुल बीच में नजर आ रहे हैं। हाँ, पूरे बीच में नजर आ रहे हैं। ये लाइट से कुछ नहीं दिख रहा, और वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा, काले काले से बदले आ रहे हैं। हाँ, तो अब जो थोड़ी लाइट बने आएगी तो हम वीडियो बनाएंगे, दोबारा लाइट में बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे चीजें। हवेली आ गई भाई। लो जी, हवेली आ गई है। जिन्हें जिन्हें खाना खाना रुक सकता अपना, वैसे खाना अपन नाल भी लेके आए हैं। विनोद जी ने एक बहुत बड़ा डोंगा भी बनवा रखा है चावल। आप कितने पाए सी फालतू चावल, कितने पाए सी मुदले दंदे पाए सी नहीं नहीं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपना सोनीपत के पास, और थोड़ी देर में पानीपत और मूर्थल क्रॉस कर जाएंगे। तो हम रुके हैं, ये कोई पहलवान का ढाबा है जहाँ चाय पीने के लिए, और साथ में कृष्णा ढाबा है। चाय तो आपको पता है देसी ढाबे पे ही अच्छी मिलती है, तो वहीं रुके हैं। तो अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और ये विनोद जी हमारे सो के उठे हैं। गुड मॉर्निंग विनोद जी, कैसे हैं? बढ़िया हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 2:30 बज रहे हैं, सुबह के 2:30 बजे हैं अभी। तो चाय ऑर्डर कर दी रहे सब? पंच और चाय बोल दी है, और ढाबे पे रुक के अभी हम चाय पियेंगे
फिर यहाँ से आराम से 10 मिनट बैठ के वेट थोड़ी आराम करके फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं कहीं, फिर और कहीं रुकेंगे, फिर आपको फिर याद करेंगे और बुलाएंगे। तो जी चाय हमारी आ गई है और हमारे बलजिंदर जी ने खोल लिए हैं घर से बने हुए चावल। वाह जी वाह, पुलाव बनाए हुए हैं, बढ़िया चाय, मंजे पे बैठ के खाएंगे आराम से। हाँ जी बली जी बताइए, चावल कैसे लग रहे हैं फिर आपको? देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं भाई। हाँ खाएंगे। अच्छा तो अपने बाकी जनता कहाँ गई? चाय पिए गए। ओह वेरी गुड। और जी हम भी चाय उठा लेते हैं, चाय पीते हैं साथ में और चाय पी के देते हैं मज़े। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं सीधा वृंदावन के लिए और अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा हमारा वो वृंदावन में ही होगा और आपको मिलते हैं वृंदावन में और सुबह के दर्शन करवाएंगे 7:30 बजे के जैसे ही मंदिर ओपन होगा। तो अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, जो जिसकी रोड बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, आप देख ही सकते हैं क्या रोड है और कार बहुत ही अच्छी स्पीड पर चल रही है। जैसे हमें लगता है कि हम 1.5 घंटे का रास्ता 1 घंटे में ही क्रॉस कर जाएंगे और वृंदावन हम 6 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे जहाँ तक मेरा एस्टीमेट है। अभी 1.5 घंटा दिखा रहा है एज़ पर मैप, लेकिन स्पीड के हिसाब से रोड के हिसाब से हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आपको वृंदावन पहुंच के आपको वहां के दर्शन करवाते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर और गाड़ी हमने कर दी है पार्क। और आपको जैसे पता है यहाँ पे स्पेक्स वगैरह मंदिर छीन लेते हैं और फ़ोन वगैरह भी, तो मैं फ़ोन कम ही चलाऊँगा और रिकॉर्डिंग भी कम ही करूँगा कैमरे के साथ। और यहाँ पे हम जितने भाई हैं 3, उन्होंने स्पेक्स उतार दिए आराम से और हम बांके बिहारी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब आपको दर्शन करवाते हैं बांके बिहारी मंदिर के। और यहाँ पे कुछ खाने को अभी खुला नहीं है, हमें भूख बहुत लगी है, सुबह के बज गए हैं 5:30 और सुबह के टाइम पे देखिए कैसे सुनसान हो रखा है, शॉप सारी बंद है। लो जी प्रसाद की दुकानें खुल रही हैं थोड़ी थोड़ी। और मंदिर अभी खुला नहीं है। लो जी भीड़ अभी से स्टार्ट हो गई है होनी और ये गेट नंबर 2 है जो अभी कह रहे हैं कि 7:30 बजे खुलेगा। और ये फूलों की शॉप लग चुकी है, किसी को फूल चढ़ाने हैं और साथ में ही मंदिर के खाने पीने का सामान भी है। हाँ प्रसाद और ये टीका लगा रहे हैं और हमने भी टीका लगा, और ये टीका हमने भी लगवा लिया है। जय राधे कृष्ण, राधे राधे। हम पी रहे हैं चाय की दुकान पे एक मस्त चाय, सुबह के 6:30 हो चुके हैं। ये देखिए कैसे फंस के बैठे हैं बंदे सारे हमारे। और अभी एक कांड हो गया हटा है, ये देखिए बंदर ने स्पेक्स ले ली थी और फ्रूटी दे के छुड़ाई है हमने और ये बैठा बंदर, तो अभी वापस लिया है तो क्रैक आ गया स्पेक्स में थोड़ा। लो जी चाय हमारी डल गई है, कुल्लड़ में डाल के ये चाय देते हैं। ये कुल्लड़ ऐसे बैठे हैं यहाँ फर्श में इसके। लो जी कुल्लड़ चाय अपनी आ गई है। कैसी है
खट्टी मीठी और तीखी। तो अभी हम निकल चुके हैं वृंदावन से, और वृंदावन से निकलते ही थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके हैं। अभी थोड़ा नहाने के लिए सोच रहे हैं तो, लेकिन यहाँ शायद जगह नहीं है नहाने की। पंप के पास बहुत सारी जगह है लेकिन नहाने के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चल रही हैं, गर्मी ज़्यादा फील हो रही है। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधा यहाँ से काशी के लिए। इस वृंदावन से हम सीधा जाएंगे काशी, और आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। और जैसे ही काशी विश्वनाथ जी जाएंगे तो आपको सारी लोकेशन दिखाएंगे, और आपको आज उन वहाँ की आरती भी दिखाएंगे। मैं आपको आप पूरा मैप दिखाता हूँ जो हम मैंने कार पे लगवाया हुआ है, और आप फाइनल देख लेना, और आपको पता चल जाता है जाएगा हमारी लास्ट डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है और कहाँ तक। हमारा पटियाला से चला हुआ मैप जो कि वृंदावन, और वृंदावन से काशी, और काशी से जगन्नाथपुरी।